हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेहा की कुकिंग। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं मूंग दाल के पराठे की रेसिपी। मूंग दाल का जो ये पराठा है, ये बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही जल्दी से बन के तैयार भी हो जाता है और ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये हमारी बीपी को एकदम कंट्रोल में रखता है। अगर जिसकी भी बीपी हाई रहती है, उसको इसका पराठा या इसकी कोई भी एक रेसिपी बना के ज़रूर खानी चाहिए। तो चलिए, इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उसके लिए हमें 2 कप जो है कि मूँग दाल को भिगो के ले लिया है। तो आप इस तरीके से जो मूंग होती है उसको आप भिगो लेंगे और एक मिक्सी जार में, बड़े मिक्सी जार में आप ले लीजिए इसको। और उसमें 2 से 3 हरी मिर्च, 3 से 4 लहसुन की कलियां और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और थोड़ा सा धनिया डालकर, और इसमें जितना आप मूंग डाल लेंगे, जैसे आपने 2 कटोरी लिया है तो आप इसमें 1.5 कटोरी पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से एक पेस्ट बना लीजिए। एक इसका जो बैटर है थोड़ा सा पतला रखना होता है, ज़्यादा थिक भी नहीं रखना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इसकी क्वांटिटी आपको जो है थिकनेस रखनी है। तो देखिए, हमने इसको कलछी से इस तरीके से चलाया है तो ये कितनी आसानी से गिर जा रहा है। अब इसमें आपको सिर्फ नमक डालना है। तो आप यहाँ पर अब इसमें अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल दीजिए। और मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नमक डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। और इसको हम मिक्स करने के बाद जो है कि आप चाहे तो इसको 10 मिनट के लिए मतलब ढक के रेस्ट करा सकते हैं, और आपको तुरंत ही बनाना है तो आप तुरंत भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमने तवा ले लिया है, गर्म कर लिया है। उस पर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और तेल डालने के बाद अपना ये जो बैटर है इसको हम इस पर अच्छी तरीके से फैला लेंगे और किसी भी कलछी की मदद से या चम्मच की मदद से इसको थोड़ा सा पतला करके फैला लेंगे। और या आप चाहे तो इसका छोटे छोटे पराठे बना सकते हैं, या आप इस तरीके से भी पराठे बना सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप पहला पराठा डाले हैं तो इसके साइड साइड में थोड़ा सा तेल ज़रूर लगा दीजिए ताकि ये जो है इसका अपनी तली को छोड़ दे। आपको उसको फिर दोबारा मतलब साइड साइड से तेल लगाना नहीं पड़ेगा। तो देखिए ये कितनी आसानी से नीचे से इसकी तली छोड़ दे रहा है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा और वेट करने के बाद इस तरीके से कलछी की पलटी की मदद से इसको पलट देना है। और ये जो हमारा पराठा है ये इस तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो देखिए, हमने इसको थोड़ी देर पकने के बाद इस तरीके से पलट दिया है और पलट कर हम सभी पराठों को इसी तरीके से पका लेंगे। ये पराठे बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी लगते हैं। अगर आपको थोड़ा सा क्रिस्पी खाना है तो आप इसको थोड़ा सा और सेक सकते हैं, नहीं तो आप इसको इसी तरीके से ऐसे ही खा सकते हैं। आप ऐसे भी खा सकते हैं, चटनी के साथ खा सकते हैं, सब्जी के साथ खा सकते हैं। इसको आपको जैसे पसंद है आप उस तरीके से इसको खाइए। तो देखिए, हमारा जो मूंग दाल का पराठा है ये हमारे नाश्ते के लिए एकदम बन के तैयार हो गया। आप इसको सुबह के नाश्ते में भी ले सकते हैं। बच्चों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, आप बच्चों को भी खिला सकते हैं। तो एक एक करके सभी पराठों को इसी तरीके से हम तवे पर डालते जाएंगे और इसी तरीके से फैलाते हुए सभी को पकाते जाएंगे। तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। मुझे डॉक्टर ने एडवाइस किया था इसका पराठा खाने के लिए या फिर इसकी कोई भी रेसिपी खाने के लिए, क्योंकि जब मेरी प्रेगनेंसी थी तो जो मेरा बीपी है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ आता था। तो डॉक्टर ने मुझे दवा के बजाय इसका जो मूंग दाल होता है इसका पराठा या फिर कोई भी रेसिपी आप बनाकर खाइए, या फिर इसको आप जो है कि ऐसे ही भिगोकर खाइए। तो देखिए, यहाँ पर हमने इस तरीके से पराठे को बना दिया है। और तो आप अगर आपकी बीपी बढ़ी रहती है, आप उससे परेशान रहते, तो आप इस तरीके से बनाकर खाइए। आपकी बीपी भी कंट्रोल रहेगी, आपका सुबह का ये नाश्ता इस तरीके से रेडी है। आप ज़रूर बनाइए।